नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी सिंह राजपुरोहित और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक इंटरेस्टिंग वाक्य और दो यहां पर मैंने एक तो वर्ड लेके आया हूं आपके लिए, एक लेके आया हूं मैं आपके लिए एडियम, जिसके द्वारा हम एक शानदार वाक्य का निर्माण करेंगे। तो देखिए, वाटर लॉगिंग का यहाँ पर मतलब होता है जल भराव या जल का भराव। और एलिफेंट इन द रूम, अब आप सोचोगे एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कमरे के अंदर हाथी, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक एडियम है, एक लोकोक्ति है, जिसका मतलब होता है ऐसी समस्या जिसके बारे में सभी जानते हैं लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। एक ऐसी समस्या जिसके बारे में जानते सभी हैं लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। तो इनसे हम एक वाक्य का निर्माण करेंगे। देखिए, ये मेरे आज दिमाग में आया जब मैंने अपने गांव के बीचों बीच में, जो हमारे गांव की मेन रोड निकलती है, कई गांवों के लिए वो रोड है, जुड़ती है वो, उस रोड के बीचों बीच में जल भर गया है। यानी कि काफ़ी सालों से भर भी रहा है वहाँ पे जल, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हालांकि वो बड़ी समस्या है, जो मेन रास्ता है वो रुका हुआ है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये सोचकर एक, आप कह सकते हैं कि आवाज़ भी उठाइए, लेकिन इन दोनों वर्ड्स की सहायता से हम एक सेंटेंस भी सीखेंगे। क्या पता किसी गांव वाले के देख के दिमाग में आ जाए। तो वाटर लॉगिंग का मतलब जल भराव और एलिफेंट इन द रूम का मतलब एक ऐसी समस्या जिसके बारे में सभी जानते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो जैसे मैं लिखता हूँ, गांव के बीचों बीच जल भराव एक बड़ी समस्या है। अब इसके अंदर वो वाक्य जोड़े बिना कि गांव के बीचों बीच जल भराव है वो एक बड़ी समस्या है, इसके अंदर ये बात ऐड किए बिना कि फिर भी इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता, इंग्लिश में इसको ये अभिव्यक्ति डालने के लिए हम इस एडियम का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे द वाटर लॉगिंग इन द सेंटर ऑफ आर विलेज इज एन एलिफेंट इन द रूम। तो बच्चों, मैंने ये आपके सामने अपने गांव के द्वारा एक उदाहरण लेकर आपको ये बात समझाई है और इसके द्वारा हम काफ़ी सारे वाक्य भी बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आवाज़ भी उठाना चाहता हूँ कि इस जल भराव की समस्या का जल्दी से जल्दी कोई निवारण भी हो, ताकि सभी ग्रामवासी इससे, इस समस्या से समाधान और मुक्ति प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। मैं हूँ भवानी सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हैं KPC द 5 एलिमेंट्स।